एक्टर कुणाल कपूर और एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी डिजाइनर ऑफ द ईयर इवेंट पर दिखाई दिए। इस इवेंट पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने डिजाइन का शोकेस किया, जिनमें से कुछ चुने हुए डिजाइनर्स को अवार्ड भी दिया गया। इवेंट के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान इस इवेंट के बारे में क्या कहा कुणाल ने, सुन लीजिए। जी, बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है कि जो बात सबसे स्पेशल थी इस शो के बारे में, जो मुझे बहुत पसंद आई, वो ये है कि देखिए, इंडस्ट्री से हम दोनों एक्चुअली आउटसाइडर्स हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आउटसाइडर्स को इनकरेज करे, क्योंकि मुझे पता है कितना मुश्किल होता है आउटसाइडर्स के लिए। तो चाहे आप एक्टर हो या डिज़ाइनर हो, वो पहला ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो एक ये शॉपर स्टॉप जो इंडियाज लार्जेस्ट रिटेलर हैं, उनको उनका आगे आना और नए डिज़ाइनर्स को ये प्लेटफॉर्म देना, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बात है और इसलिए मुझे रैंप पर चल के आज बहुत खुशी हुई। वहीं अदिति राव हैदरी का क्या था कहना, आपके लिए पेशे खिदमत है। So I think it's really amazing. It was so amazing to be a part of that whole energy and that atmosphere where everybody is so excited, so charged. People got awards. और बहुत सारे लोगों में से चार लोग चुने गए हैं. And I feel even the people who participated, it's really amazing that they got this platform. And backstage मैं देख रही थी सारे पूरी लाइन और एक्चुअली काफ़ी अमेजिंग लाइन थी. सो इट वाज आई थिंक पीपल आर गोइंग टू एंजॉय गोइंग टू शॉपर्स स्टॉप एंड बाइंग अ लॉट ऑफ द स्टफ। वेल, कुणाल कपूर की मनसा है कि काश वो बाहुबली 2 के प्रोड्यूसर होते। वेल, हम तो ये चाहेंगे कि ये दोनों एक्टर्स कुछ ऐसी फिल्में करें कि इनकी फिल्में भी बाहुबली 2 जैसा बिजनेस करें।